श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपके पास कोई आर्थिक तंगी चल रही है या आपका धन कहीं रुका हुआ है किंतु वापस नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपको पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है, तो यह उपाय आपके लिए है। यह जो उपाय है, यह करने के बाद आपके यहाँ धन की कोई कमी नहीं रहेगी और धन रुका हुआ जहाँ पर भी होगा वह आपके पास आने लग जाएगा। आइए इस उपाय को समझते हैं। इस उपाय को करने से पूर्व हम बता दें कि हमारे चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय एक एनिमेशन वीडियो द्वारा समझाए जाते हैं, ताकि आपको उपाय करने में कोई गलती ना लगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम उपाय प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे और आपको उपाय वैसे ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको दो तुलसी के पत्र ले लेने हैं। यह जो तुलसी के पत्ते होने चाहिए, यह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे हुए होने चाहिए। इसको धोकर आपने अपने पास रख लेना है। इसके साथ ही आपको एक तिल का दीपक तैयार कर लेना है। आप चाहो तो आटे का दीपक तैयार कर लो या फिर मार्केट वाला भी दिया ले सकते हो। इसमें आपने गोल बाती वाली बाती रख लेनी है और इसको तिल के तेल में अच्छी तरह से भिगो लेना है। अब ये दो सामग्रियाँ लेकर आपने हनुमान जी के पास पहुंच जाना है। यह उपाय आप शाम तक कभी भी कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपने हनुमान जी को ये जो दो तुलसी के पत्ते हैं आपने वहां पर रख देने हैं और उसके बाद यह दीपक आपने वहां पर जला देना है। जब आप यह दीपक जलाओगे तब आपने अपनी मनोकामना कहने से पूर्व आपने हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है और वहाँ पर आपने अपनी मनोकामना कह देनी है। इस उपाय को मात्र एक बार करने से ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मंगलवार को यह उपाय करना कभी भी ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मिलते हैं अगले